तो देख ही रहे हैं इधर जितना लगा था ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक टेंट सिटी लगा था भाई, आप सभी को सोने बैठने के लिए, बिहार टूरिज्म की तरह से देख रहे हैं, इसको भी खोला गया ये धोबई का क्षेत्र में। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप सभी भक्तों को दिखाते हैं कांवरिया पथ का एक और नज़ारा। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है आपका तेगरा का ग्रामीण क्षेत्र, फिर जो है धोबई का ग्रामीण क्षेत्र, फिर जो है तारापुर। तो यहाँ से तारापुर की जो दूरी होगी वो 5 किलोमीटर की होगी। वैसे आप सभी को बढ़ते हुए दिखाते हैं इधर तारापुर से पहले का ये कांवरिया पथ है, तो यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ जो आम के पेड़ हैं, क्या खूबसूरत है भाई, बहुत ही ज़्यादा टहनी जो है ना, कहते ना कि लुहावना माहौल यहाँ पर बन जाता है ऐसा पेड़ जब दिखता है। और वैसे जो है आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का अपडेट नज़ारे किस प्रकार है कांवरिया पथ का। भीड़ तो जो है वो तो दिख ही रहा है, गाने भी बज रहे भाई शंभू वाला, तो लगातार देख रहे हैं इधर देख रहे हैं। ये कांवर देखने से लग रहा है ना कि दुकान में बहुत ज़्यादा विश्राम में है। यहाँ पर देखिए जय श्री राम, और इधर का जितना दुकान है चालू है भाई, सब कुछ चालू है। ये हम पहुँच चुके हैं लखनपुर, लखनपुर से आगे मिलेगा भाई आपका वो ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा तेगरा, फिर धोबई। तो लखनपुर का क्षेत्र है लेकिन ये भी जो है तारापुर के क्षेत्र में ही आता है। और इधर का भी देख रहे हैं दुकान सब कुछ चालू है। तो कांवरिया वक्त देख रहे हैं आगे कुछ कम दिख रहा है, लगता है आगे और भी बड़े होंगे, नहीं तो जो है विश्राम में होंगे। ये तो आप सभी को पता रहता ही है कि दोपहर के टाइम में लगभग जो है विश्राम में ही रहते हैं। मौसम ही आज ठीक है, जो कि कांवरिया वक्त कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं इस मौसम में, इस टाइम में भी, दोपहर के टाइम में भी। आगे भीड़ दिख रही है भाई, आगे दिखाते हैं कितना ज़्यादा भीड़। ये देखिए पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है, इसको काटा नहीं गया है, बीच में है तो है क्या, अच्छा है भाई, पेड़ लगाना ज़रूरी होता है, काटना नहीं चाहिए। और इस ऐसा माहौल देखिए कितना अच्छा छाया है, धूप अगर कितना भी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह का अगर बड़े बड़े पेड़ रहेंगे, छांव रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना रुके हैं और कितना चलते जा रहे हैं बाबा धाम की ओर, भाई क्या बात है, ऐसे नज़ारे जो मिलते हैं ना कांवरिया पथ पे बहुत ही सुकून वाला मिलता है। देखिए दुकान भी चालू है अभी, जितना दुकान सावन में मिला था उतना अभी भी भादों में भी चालू है। लगातार जो है आप सभी को दिखाते जा रहे हैं ना कांवरिया पथ का माहौल, नज़ारा जो भी होता है वो आप सभी तक पहुँचता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं आप सभी को दिखाते हुए। आगे का नज़ारा देख रहे हैं, इधर 2-4 की संख्या में दिख रहे हैं, पर लाइन दिख रही है लंबी वाली लगातार। और यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा दिख रहा है ना, तो प्रयास रहेगा आज हमारा जो है तारापुर का क्षेत्र को ही दिखाने का, देखते हैं आगे आप सभी को कितना दिखा पाते हैं भाई। अपडेट तो जो होता है वो तो आप सभी तक पहुँचाते ही रहते हैं, नज़ारे आप सभी तक देख रहे हैं कितना ज़्यादा मिलता हुआ जा रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई, ये देखिए यहाँ पर दिखा है ना भीड़ वाला, भाई भीड़ वाला ऐसा ही होता है भादों का नज़ारा। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, धूप के देख रहे हैं कभी कभी होता है पर कभी छांव हो जाता है। ये नज़ारे हैं भाई, ये ऐसे वाले नज़ारे दिखते हैं भादों के महीने में। सावन में तो कुछ अलग लेवल का भीड़ होता है, कुछ हाई लेवल का भीड़ होता है, वो तो आप सभी को दिखाने का जो है प्रयास रहता है और दिखाते भी रहते हैं। बहुत सारे कांवरिया भक्त देख रहे हैं यहाँ पर, कितना दिख रहा है यहाँ पर भाई, बहुत ही ज़्यादा क्या बात, इस जगह पर हर जगह तो नहीं दिखता भाई, कहीं कहीं दिखता है, जहाँ पे दिखता है वहाँ के बारे में आप सभी को बताते रहते हैं। पहुँच चुके हैं ना तेगरा वाला ग्रामीण क्षेत्र में, देखते हैं आगे का ग्रामीण क्षेत्र कैसा रहता है, कैसा नज़ारा है आप सभी तक। यहाँ पर देख रहे हैं भीड़ ही भीड़ दिख रहा है, लंबी लाइन दिख रहा है, देखिए दंडवत यात्री वाले भी जो है विश्राम में है। दंडवत वाले का भाई बहुत ही टफ लेवल का यात्रा होता है, महीना दो महीना में पहुंचते हैं और लगातार पेट के बल यात्रा होता रहता है, वो तो गजब लेवल का होता है। आगे देखिए पहुंच रहे हैं ना, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हुए आप सभी को दिखाते हुए जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इधर का भी देख रहे हैं सभी के सभी दुकान चालू है। आगे देख रहे हैं कांवरिया फिर से दिखने को मिल पा रहा है, जितना दिख रहा है भादों में उतना आप सभी तक सारा अपडेट पहुंचता जाता है भाई आपके अपने चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे जितने भी भक्त हैं ना उसको तो पता ही रहता है कि 12 महीने में कैसा यात्रा होता है, सब बाबा का रहते रहते हैं, ये तो आप सभी को पहले भी बताते रहते थे। और आगे देखते हैं यहाँ पर भी देखिए भीड़ भाई, ये भीड़ नहीं तो क्या है, ये देखिए बाबा के दीवानों की जो भीड़ है ना बरकरार रहती है, कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इधर का जो सरकारी शौचालय है ना ये सभी जो है सावन में ही चालू कर दिया जाता है अच्छे तरीके से। और इधर देखिए
इधर का जो होटल है ना, इधर भी चालू है शौचालय, झरना, सब कुछ उपलब्ध है। होटल दुकान में भी, दुकान में यही होता है कि चार्ज लिए जाते हैं, और शिविर तो जब सावन में रहता है तो वो निःशुल्क रहता है। तो शिविर में जो है अभी कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सावन में ही सारा शिविर चले जाते हैं शिविर वाले। ये तो मैं आप सभी को दिखाते ही रहता हूँ। देखने तेगरा पहुँच गए, हमने शुरू में ही बताया था आप सभी को कि तेगरा भी मिलेगा और दुबई भी मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर तेगरा, यहाँ से देवघर की जो दूरी है ना 80 किलोमीटर की दूरी भाई, और मनिया की जो दूरी है यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तेगरा का जो बोर्ड लगा हुआ था उस जगह का दुकान जो है सालों भर चालू रहता है, जो आप सभी को दिखाते हैं। बहुत सारे कांवड़िया भक्त वहाँ पर रुकते भी हैं। इस जगह पर भी देख रहे हैं भाई, इधर जितना लगातार दिख रहा है सभी के सभी दुकान चालू ही दिख रहा है। आज देख रहे हैं एक ही एपिसोड में हमको लग रहा है कि आपको तेगरा भी दिखा दिए, धोबई भी दिखा देंगे और तारापुर भी दिखा देंगे भाई। तारापुर भी, ये देखिए ये दंडवत वाले लग रहे हैं, सारा सामान लेके जा रहे हैं ना भाई। जो है उनके जो है यात्रा में जो है आगे पीछे होंगे भक्त, सभी सामान भी जो है अपना साथ ही लेके जाते हैं बाबा धाम। और आगे देख रहे हैं इतना दूर लेके चलते आ रहे हैं, तो कांवड़िया भक्त कहीं विश्राम में है तो कहीं देख रहे हैं अपना जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, जो छाले पड़ जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है तो उसको जो है पट्टी बनवा लेते हैं पाँव में। आगे आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बढ़ते हुए, यहाँ पर भी भीड़ दिख रही है भाई लगातार। देख रहे हैं थोड़ा करके आगे निकलना पड़ता है भाई। ये देखिए इधर का भी देख रहे हैं, सभी के सभी दुकान चालू है। अब हमारी एंट्री होगी आप सभी भक्तों के साथ धोबई वाला क्षेत्र में भाई, धोबई वाला क्षेत्र में। अभी भी देख रहे हैं दुकान वाले, जूस वाले, सब कोई जो है यहाँ पर भक्तों की सेवा में है। लेकिन भादों में जो है ना हर चीज़ का चार्ज लिया जाता है, सावन में तो निःशुल्क दिया जाता है। लेकिन एक वेदानंद ब्लॉग भी है ना, आप सभी का प्यार और सपोर्ट से निःशुल्क ही रहता है, लेकिन दुकान वाले जितने हैं ना वो तो चार्ज में ही रहते हैं। इसलिए मैं किसी को कुछ बोलता हूँ ना कि सेवा के बारे में तो मना कर देते हैं, उनको लगता है कि जो है चार्ज लेंगे। वैसे इधर का देख रहे हैं दुकान जो है बहुत ही ज़्यादा चालू है इधर में भी, और यहाँ भी देख रहे हैं भक्तों की भीड़ दिख रहा है। दुकान में बहुत ज़्यादा विश्राम में है भाई, देखिए बड़ा बड़ा देख रहे हैं यहाँ पर कावर, सुराही में भी देख रहे हैं जल लेके जा रहे हैं। ये देखिए भाई अभी भी दिखने को मिलता है ऐसा ऐसा यात्रा, सालों भर देखने को मिलता है गजब गजब का यात्रा, कुछ अलग लेवल का यात्रा। वो तो आप सभी तक सारा अपडेट पहुंचता ही रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ का इस ग्रामीण क्षेत्र वाला नज़ारा आप सभी को दिखा रहे हैं ना, लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, आप सभी को दिखाते हुए भी जा रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या आप सभी तक पहुंच पाता है। दुकान तो जितना है आप सभी को, सावन में आप लोग जितना आए होंगे ना, जितना दुकान सावन में दिखा उतना दुकान अभी दिखा रहे हैं, अभी भी है। देखिए अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि भादों में भी कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है कांवड़िया भक्तों का। चलते हैं थोड़ा सा दिखाते हुए बढ़ते हैं, और आप सभी तक सारा अपडेट पहुंचाने का प्रयास हमारा जारी रहता है। और आगे देख रहे हैं भाई, रुक जाते हैं हमें, लेकिन हॉर्न नहीं बजाते हैं। सोचिए अगर हॉर्न बजाते हैं तो वो जो है माता बहन कितना ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए जो मैंने हॉर्न नहीं बजाया, मैं सोचा मैं ही रुक जाता हूँ। यही वजह है कि हॉर्न नहीं बजाते, आराम से निकल जाते हैं जिधर जगह मिलती है उधर से ही। देख रहे हैं जितना शिविर था इधर कहीं भी कोई शिविर नहीं मिल रहा है भाई, कहीं भी कोई शिविर नहीं दिखा। और आगे देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे करके लगातार देख रहे हैं कितने ज़्यादा जो है संख्या में देखने को मिलते जा रहे हैं यात्रा में। लगभग काफ़ी दूर निकल गए हैं आप सभी को दिखाते। आप जो देख रहे हैं धोबई वाला ग्रामीण क्षेत्र भी पहुँच गए हैं बोलते दिखाते। और चलते हैं देखते हैं आगे और भी क्या क्या देखने को मिल पाता है, आप सभी तक पहुंच पाता है। कांवड़िया पथ का नज़ारा अभी भी जो है ना काफ़ी खूबसूरत भाई, अभी के टाइम में भी, भादों के यात्रा में भी। और आगे देखें कितना जो है ना परेशान हो जाते हैं चलते, क्योंकि ये बाबा का प्रसाद है ना, थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। देखिए कहीं भी बैठ के जो है भोजन कर लेते हैं पेड़ के छांव में, जहां पेड़ की छांव मिले वहीं पे जो है आराम फरमा लेते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा आप सभी को भादों में भी देखने को मिलता है। इधर का भी देखना, ये दुकान जो है चालू है और इस जगह में थोड़ा सा खाली है। आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है।
आप सभी तक सभी के सभी अपडेट पहुंच ही रहे हैं लगातार भाई, लगातार देख ही रहे हैं कैसा नज़ारा है। हवा भी बिल्कुल ठंडक वाली चल रही है भाई बादों में, ताकि जो है ना, ये कहते हैं कि तरह से वैसा गर्मी का एहसास नहीं हो सकता, लेकिन पैदल जो चलते हैं ना उनको तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी यूँ ही लगता रहता है पैदल चलने में ही। आगे देख रहे हैं अब जो है यहाँ से धोबाई का ग्रामीण क्षेत्र शुरू हो जाता है भाई शुरू। अब यहाँ पे हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए निकल गए आगे यहाँ से। इधर का भी सभी दुकान चालू, देखिए कितना ज़्यादा कांवरिया भक्त यहाँ पर नीचे ही विश्राम कर रहे हैं पेड़ की छाँव में। कांवर स्टैंड तो जो परमानेंट वाला है वो तो रहता ही है, देख ही रहे हैं। तो देख ही रहे हैं इधर जितना लगा था ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक टेंट सिटी लगा था भाई आप सभी को सोने बैठने के लिए, बिहार टूरिज्म की तरह से देख रहे हैं इसको भी खोला गया। ये धोबाई का क्षेत्र में सावन भर ही रहते हैं ये सभी सेवा, देख रहे हैं सब कुछ खोला जा रहा है, खोल के लेके जा रहे हैं। ये धोबाई का ग्रामीण क्षेत्र है और यहीं से यहीं पे लगा था और जितना इधर शिविर था वो सब भी खोले जा रहे हैं भाई। और ये देखिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं आप सभी को दिखाते हुए। चलिए यहाँ से धोबाई के बाद तो तारापुर ही है, धोबाई में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। पिछले बार भी आप सभी को धोबाई का क्षेत्र दिखाए थे तो उस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिला था और आज भी देखने को मिलता ही जा रहा है। देखने धोबाई का बोर्ड लगा है धोबाई तारापुर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना तो ये जो इस ग्रामीण क्षेत्र के बाद तारापुर ही है, पूरा तारापुर ही यहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी जहाँ से अपडेट आप सभी को दिखाए थे वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं दिखाते। और पूरा जो है ये क्षेत्र मुंगेर ज़िले में ही आता है। और आगे देख रहे हैं बढ़ते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सरकारी धर्मशाला गोगाचक सरकारी धर्मशाला जो यहाँ पे कहलाता है तारापुर का, देखते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। धर्मशाला में अभी भीड़ है या नहीं, वैसे तो इस पथ पर दिख रहा है दुकान तो सबका सब चालू है भाई, एक भी दुकान अभी इधर नहीं खुले हैं। और जहाँ जहाँ शिविर लगा था वहाँ पे शिविर खोलने के बाद वहाँ पर और भी दुकान लगा दिया गया भाई, बहुत ज़्यादा दुकान लगा दिया गया है। देख रहे हैं मूर्ति वाले, जय हो महादेव, जय हो मैया पार्वती की, जय हो। और देख रहे हैं इधर भी, इधर का भी नज़ारा देखिए भाई, इधर का भी भीड़ देख रहे हैं, लंबी लाइन यहाँ से देखने को मिलता ही जा रहा है, लाइन की कमी नहीं है यहाँ पर। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए भाई, ये देखिए है ना, इस क्षेत्र में दिख रहा है दुकान भी बरकरार है और भीड़ भी बरकरार है। ये देखिए है ना, कांवर स्टैंड भी लगा हुआ है अच्छे तरीके से कांवर रखने के लिए। आगे देख रहे हैं आगे है सरकारी धर्मशाला है थोड़ा ही दूर पर। सावन में तो सरकारी धर्मशाला में जो भीड़ होता है वो तो रहता ही है, भादों में तो बहुत कम रुकते हैं, भादों में तो ज़्यादातर कांवरिये भक्त जो है दुकानों में ही रुकना उचित समझते हैं। वैसे देख रहे हैं आप सभी को दिखाते पहुंच ही गए तारापुर भाई। ये रहा तारापुर का मार्केट, इस साइड में पूरा जो दिख रहा है, और ये नहर में पानी आ गया ना हनुमाना डैम का, ये नहर आप सभी को दिखाते रहते थे जब खाली था, और अभी भी देख रहे हैं कैसा नज़ारा है, आप सभी तक कैसा पहुँच रहा है अपडेट। धीरे धीरे करके जितना भी नज़ारा होता है वो आप सभी तक पहुँचाने का हमारा प्रयास जारी था। इस जगह पर देख रहे हैं कितना चौड़ा कांवरिया पथ दिख रहा है, कुछ अलग ही दिखता है यहाँ पर। और आगे देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी कांवरिया भक्त विश्राम में है, धूप कभी ज़्यादा हो जाता है और या फिर जो है चलते चलते थक जाते हैं। सुल्तानगंज से अगर तारापुर पहुँचते हैं तो लगभग आपका जो है 25 से 26 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाती है। और हम लोग भी कभी कभी आते हैं, माता रानी का बुलावा होता है तो तारापुर में इस साइड में यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर लेफ्ट साइड में जो है माता रानी है जो शक्तिपीठ के रूप में विराजमान है। दुर्गा पूजा में के प्रथम दिन कलश स्थापना के दिन हम लोग इस मंदिर में आते हैं यहाँ पर और जल लेकर के डाक जल चढ़ाते हैं। कई बार हमने एक पिछले साल तो हमने आप सभी को ब्लॉग भी दिखाया था। और अभी देख रहे हैं फिर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक तो पहुँच ही गए पूरा तारापुर का इस क्षेत्र में। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा अगर हो सके तो और भी आगे चलकर दिखाने का प्रयास रहेगा। काफ़ी दूर आप सभी को लेकर के आ गए हैं पूरा वीडियो के माध्यम से, अपडेट के माध्यम से दिखाते जो भी नज़ारे थे आप सभी तक पहुंच गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही लेवल का भीड़ दिख रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा लेवल का भीड़ यहाँ पर भी दिख रहा है, क्योंकि ये तारापुर का क्षेत्र है तो यहाँ पर तो
देख रहे यहाँ पर रुके हैं, सोच रहे हैं आगे रुकना है, विश्राम करना है, या फिर कोई साथी मिल गए होंगे। और आगे देख रहे हैं भाई कितना ज़्यादा इस जगह पर ख़राब हो गया कांवरिया पथ। ये देखे इधर का जितना दुकान आप सभी को पहले दिखाए थे उतना सभी के सभी दुकान चालू हो गए भाई, सभी के सभी चालू ही हैं, चालू हो गए क्या चालू ही। यहाँ पर भी जलेबी है भाई 15 से 20 रुपये में, यहाँ पर भी आपको एक जलेबी मिल जाएंगे। एक जलेबी में बाबा धाम वाली जो शर्त होती है ना, बस खाने के बाद तो वैसा कुछ लगता ही है पर जो है ना फिर भूख लग जाएगा तुरंत। एक जलेबी में पेट तो भर जाएगा लेकिन फिर जो है 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जो भूख लग जाएगा। देखिए यहाँ पर गाड़ी पहुँच गई ना, यही धर्मशाला है तारापुर का सरकारी धर्मशाला, यहाँ पर भी अभी भी कांवरिया भक्त बहुत ज़्यादा रुकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे। यहीं से जो है माता रानी टलिया का इधर जाने का रास्ता है जो आप सभी को बता रहे थे। आज की वीडियो में इतना ही, हर हर महादेव आप सभी भक्तों को तारापुर के चौराहे के पास से।